वाले दिन डीएसपी दी ऑटो चालक के नाल बहस हुई सी। ऑटो ड्राइवर ने डीएसपी का गोली मार के कतल किया सी। डीएसपी दी रिवॉल्वर दे नाल ही ड्राइवर ने गोली मार दी सी और कातल दी भाल दे विच पुलिस ने 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने दस्या के 31 तरीक की रात थाना डिवीजन 2 दे इलाके दे विच बस्ती बाबा खेल दे विच नहर दे पुल दे नेड़े पंजाब पुलिस दे विच तैनात डीएसपी दलबीर सिंह दी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के डीएसपी की गोली लगन करके मौत का खुलासा होया, जिस तो बाद पुलिस ने शहर के सीसीटीवी कैमरा की मदद के नाल इस गल का पता लगाया कि कतल एक ऑटो चालक के वालों किया गया। पूछगिछ के मुलजम ने दसिया कि उसने डीएसपी नाल घर छड्डन नूं लैके बहस हुई। इस दौरान बस्ती बाबा खेल नहर के नेड़े पहुंचण ते दोहां विच झड़प हो गई। ऑटो चालक ने डीएसपी की रिवॉल्वर के नाल ही गोली चला दी थी ते गोली लगन दे करके डीएसपी दी मौके ते ही मौत हो गई। सो डीएसपी दे कतल मामले दे विच वड्डा खुलासा होया। ऑटो चालक डीएसपी दा कातल निकले। राघव जैन मेरे सहयोगी इस वेले मेरे नाल फोन लाइन से मौजूद ने। राघव, स्वपन शर्मा पुलिस कमिश्नर जिहड़े जलंधर दे पुलिस अधिकारी ने उन्होंने कहा कि ऑटो चालक ही कातल है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ऑटो ड्राइवर ही डीएसपी का कातिल निकला है। पुलिस की थ्योरी की कहती है 500 सीसीटीवी कैमरे जिहड़े खंगाले गए ने उन्होंने किस तरीके का लिंक जिहड़ा है वह सामने आया। राघव बिल्कुल, क्योंकि लग ही रहा है कि इस केस में जब अभी इन्वेस्टिगेशन करके वे देखी जा रही थी चीज़ा तो कितना कितने ऑटो जोड़ा शब्द है बार बार अभी सुनते पे थे, क्योंकि पुलिस जोड़े कि ऑटो वाले ने फाइंड आउट कर रही थी, क्योंकि दोस्तों का यह कहना था कि अभी लास्ट टाइम जोड़े कि बस स्टैंड छड़ा थे, क्योंकि जिस तरह दसा कि गैरेज वाले मिलने जाना कोई काम से ऑटो से उस करके जोड़े कि बस स्टैंड पहुंचे थे, तो उसके बाद जोड़ा कि इन्होंने वालों किसी होर दोस्त को मिलना था, लेकिन अब दोस्त नहीं मिले, जिस तो बाद यह ऑटो पकड़ के जोड़ा कि है मामे के ढाबे जोड़े कि खाण पीन वास्ते गए थे, तो उत्थे रात बहुत हो गई थी, तो इन्होंने वालों पहला ऑटो ड्राइवर ने कहा गया कि रात काफी हो गई है और कोई ऑटो नहीं मिलना तो मैंने उसे छड़िया, पर ऑटो ड्राइवर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि पिंड काफी दूर हैगा वह रात काफी हो चुकी है। जिस तो बाद थोड़ी देर ऑटो का होर वेट किया, लेकिन उस तो बाद कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, दोबारा डीएसपी वालों जोड़ा कि ऑटो ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की गई कि तुम जोड़ा कि प्लीज मैंने उसे छड़े आओ, जिस तो बाद यह दोनों मन गए थे तो जान लगे थे। उसके बाद रस्ते में जिहड़ी कि आपस में बहसबाजी हुई तो जो ये बस्ती बाबा खेल नहर को पहुंच गए तो बहसबाजी इन्नी वध गई थी, हत्थों पाई तक के मोमेंट आ गए, जो हत्थों पाई हो रही थी तो उस दौरान जी डीएसपी की बंदूक है वह बाहर आ गई थी, तो वह पकड़ के जोड़ा कि है जो ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर उन्हें जोड़ा कि गोली चला दी थी। फायर सिर्फ इको ही किया गया, लेकिन गोली लगन कारण जोड़े कि मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई थी। जी तुम एक होर गल दसदा कि जो ऑटो ड्राइवर है दसा जा रहा है कि नशे का आदि सेगा, तो यह इलाज भी जोड़ा कि चलता पाया, उस रात भी नशे में सेगा जिस करके उन्हें आ कदम चुकया। जी नशे की हालत के ऑटो ड्राइवर ने कदम चुकया, बहस होने तो बाद डीएसपी उन्होंने ही रिवॉल्वर तो गोली मार दी गई। राघव, पहली बार के जो साढ़े दर्शक भी यह गल सुनगे तो उन्होंने जहन के भी यह सवाल आएगा कि डीएसपी रैंक का अधिकारी अपने आप में काफ़ी फिटनेस जी है पुलिस अधिकारी की कदकाठ हों सारा कुछ होंगे और उन्होंने ही रिवॉल्वर तो उन्होंने अटैक कर दिता जाना, इसको पहली नजरे स्वीकार किया जा सकता है या कितने कोई लूपहोल हजे भी बचता है इस पूरी स्टोरी के? राघव देखो, लूप होल तो कोई बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह क्योंकि नहीं पता था, क्योंकि कुछ किस जो उन्होंने पूछा गया ऑटो ड्राइवर ने कितने पता था कि अधिकारी है कुछ है, तो वह कहना था कि मैंने इस चीज बारे नहीं पता था कि एक डीएसपी है, तो शायद कितने आ कदम नहीं चुकया जाता है, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी तो उस दौरान पता ही नहीं लग गया, क्योंकि सवाल यह भी उठता था कि बंदूक बार कि पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा उन्होंने कहना था कि जो लड़ाई हो रही थी तो उस दौरान किया गया कि उन्होंने पॉकेट में जोड़ी कि बंदूक बाहर गिर गई थी, तो उसके बाद जोड़ा कि बंदूक चक के जोड़ा कि वालों क्योंकि नशे की हालत में ही खौफनाक जो कदम चक्या गया, तो जी गोली थी वो सीधा ही जोड़ा कि मत्थे रख रख के मारी थी, तो गोली पिछों जोड़ी कि आर पार हो गई थी, तो मौके पर ही बॉडी गिर गई थी। उसके बाद मौके तो जोड़ा कि ड्राइवर फरार हो गया था, तो बाद से जोड़ी कि सीसीटीवी है पहला सीसीटीवी जोड़ा कि बस स्टैंड उत्ते चेक किया गया, उतो ही पता लगा कि मामे के ढाबे तक गया, मामे के ढाबे का दूसरा सीसीटीवी चेक किया गया, उतो जोड़े कि क्लू जुड़ते रहे, क्योंकि जोड़ा ऑटो जोड़ा कि इन्होंने पकड़िया था बस स्टैंड तो मामे के ढाबे तक वह वक्रा, जोड़े मामे के ढाबे तो लैके जोड़े कि अगे जोड़ी घटना हुई है वो ऑटो चालक जोड़ा कि वक्रा।
उस तो बाद हौली हौली जी गुस्सी सुलझी है उस तो बाद यह चीज सामने आई कि जो पुछगिछ करके ऑटो ड्राइवर ने पकड़िया सख्ती ना पुछगिछ की उदो सारी गल जी साफ हुई जी। बहुत शुक्रिया राघव इस तमाम जानकारी दे ली। सो राघव जैन मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और अपने आप में एक बड़ा खुलासा होया कि ऑटो चालक ने ही डीएसपी का कतल किया। हालांकि ऑटो चालक ने कहा कि उसनु नहीं सी पता कि जिस शख्स के नाल उसकी बहस हुई है जिस शख्स नु उसने गोली मारी है वो ओदे तो डीएसपी है पुलिस का डीएसपी है गया डीएसपी दलबीर सिंह के कतल की गुत्थी सुलझी है। इस पूरे मामले के विच ऑटो ड्राइवर ही डीएसपी का कतल निकलिया।